तो आज है day 4 और हम लोग आज जा रहे हैं मैसूर से ऊटी। ये अभी हम लोग बांदीपुर में एंटर कर रहे हैं। देखिए ऊपर बांदीपुर टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है। सो बांदीपुर यहाँ पे अब हम लोग तमिलनाडु के बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं और सामने दिख रहा होगा आपको मुडुमलाई टाइगर रिजर्व वेलकम्स यू। और यहाँ पे एक और चेक पोस्ट है। यहाँ पे हाँ छोटा सा वाटर। वाओ इतना तो बांदीपुर में भी हमें नहीं दिखा जितना इधर दिख रहा है। जा रहे हैं सारे। इतने लंबे हैं उसके हॉर्न्स। वाओ मैन बट वो बड़ा भी लग रहा है। और ये है फर्स्ट व्यू ओटी का। इतना हाइट है और इतना डेंस है कि सनलाइट आ भी नहीं रहा है रोड पे। अंधेरा हुआ है यहाँ पे। क्वीन ऑफ हिल्स ऊटी वेलकम्स यू। हियर वी एंटर द होटल लेक व्यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है day 4 और हम लोग आज जा रहे हैं मैसूर से ऊटी। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 AM एंड हमारे जो ऊटी का होटल है उसका चेक इन टाइम है 1 PM। सो इसीलिए आज हम लोग लेट निकल रहे हैं, अदरवाइज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट करके आया है। आज शिवांगी का तो फास्ट है सो सी विल नॉट ईट टुडे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड देन अच्छा वेदर है। मैं आपको वेदर दिखाता हूँ। सो इट्स क्लाउडी। स्टार्टिंग में तो क्लाउडी था सुबह में बट अभी सनी हो गया है एंड देयर इज़ आर कार। तो हम लोग चेकआउट करेंगे और मिलते हैं आपसे रोड पे एंड वी आर रियली एक्साइटेड बिकॉज़ ऊटी का रास्ता जो है बहुत ही सीनिक होने वाला है। बहुत ही वी आर रियली एक्साइटेड फॉर द बांदीपुर टू क्रॉस द बांदीपुर नेशनल रिजर्व। सो या अभी हम लोग ऊटी के लिए निकले हैं। जस्ट मैसूर से निकल रहे हैं। हमारे होटल तक का डिस्टेंस 126 किलोमीटर दिखा रहा है। 3 hours and 9 minutes। मौसम बहुत ही मस्त हो चुका है। एकदम सनी वेदर हो गया है। अच्छा है थोड़ा दिन। इतने दिनों से क्लाउडी और बारिश देखते देखते थोड़ा बोर हो गए हैं तो फॉर अ चेंज ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने ऑन अ सेफर साइड अपने ऊटी वाले होटल वाले से पूछा है कि लाइक इज इट सेफ टू ट्रैवल टू ऊटी क्योंकि काफ़ी बारिश दिखा रहा है। कल इनफैक्ट जो मैसूर बेंगलुरु हाईवे है उस पर बहुत ज़्यादा ही वाटर लॉगिंग हो गया था। बहुत ही ज़्यादा हो गया था इसीलिए हमने कॉल करके पूछा तो वो बोला कि हाँ सेफ है। इवन यहाँ जिंजर पे भी हमने पूछा कि इज एवरीथिंग फाइन फॉर गोइंग टू ऊटी। तो उन्होंने भी यही बोला कि थोड़ा बहुत जस्ट ड्रिजलिंग एंड ऑल एंड थोड़ा बारिश हो रहा है बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज फाइन। अभी हम लोग मैसूर ऊटी रोड टच किए हैं। ये NH 150A हाईवे है। NH 150A से तो कल हम लोग आए थे ना। हाँ वही कंटिन्यू हो रहा है। दिस इज फॉर 86 किलोमीटर्स ऑन दिस। उसके आगे फिर आई थिंक बांदीपुर रिजर्व रहेगा। अभी हम लोग SH 766 पे आ गए हैं NH 150A से। NH 150 पे हम लोग ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स चले। अभी टोटल 32 किलोमीटर्स कवर हुआ है और ये SH 766 टू लेन है। रोड ठीक है, काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे अभी पूरा सनी हुआ हुआ है वेदर तो बहुत सारे हम लोग को मिराजेस दिख रहे हैं। राजेश को इंडिया में क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा, राइट? नॉट श्योर। मृग तृष्णा बोलते हैं गाइस जो डेजर्ट से नॉन में बनते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी 11:15 हो रहा है। हम लोग 50 किलोमीटर आ गए हैं और ये रोड एक्चुअली बहुत ही मस्त है। सीधे सीधे रोड है
गड्ढा भी नहीं है जैसे वो NH-150 में था, तो मस्त हम लोग 80-100 पे चल रहे हैं। ये देखिए सामने में क्या अमेजिंग माउंटेन्स दिख रहा है, लाइक माउंटेन रेंजेस हैं ऑलमोस्ट, एक एक के पीछे दूसरा, और पीक्स दिख रहे हैं फुल्ली कवर्ड इन ट्रीज। अभी मॉनसून के बाद जस्ट हम लोग आए हैं तो ग्रीनरी ऑल अराउंड, और इधर साइड में लेफ्ट में लेक्स भी है। अरे एक अच्छा रेस्टोरेंट था, वी कुड हैव स्टॉप्ड। एंड ये HBH हैदराबाद बिरयानी हाउस, इसका हमने काफ़ी रिव्यूज पढ़ा है, इट्स ए नोटी, हम लोग यहाँ जाने वाले हैं। यहाँ पे लेफ्ट में इसका होर्डिंग भी है। सो अभी हम लोग बांदीपुर से जस्ट 2 or 3 kilometers अवे होंगे, एंड यहाँ पे आप देखिए एक बांदीपुर सफारी कैंपस है। आई बिलीव अगर सफारी यहीं से होता होगा। और ये है रोड, एंड सामने देखिए माउंटेंस, चारों तरफ माउंटेंस। ये अपनी कार, ये मैडम, और टेम्परेचर हल्का हल्का ड्रॉप होने लगा है। 27 डिग्री था मैसूर में और अब भी 26 हो चुका है, ऊटी में तो बहुत ही लो होने वाला है। तो बताते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है, लेकिन क्या अमेजिंग व्यू लग रहा है यहाँ से माउंटेंस का। हाँ वो माउंटेंस कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे यहाँ पे भी है लेफ्ट साइड में डियर क्रॉसिंग। ओह माय गॉड देयर आर लॉट मेनी डियर्स, झुंड है पूरा, 100 है ऑलमोस्ट। ये अभी हम लोग बांदीपुर में एंटर कर रहे हैं, देखिए ऊपर बांदीपुर टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है। एंड वी जस्ट एंटर्ड द बांदीपुर नेशनल पार्क। लाइक देयर इज नो चेकिंग और एनीथिंग, देयर इज नो चेकिंग। लैंडस्केप ही चेंज हो गया ना, कितना दोनों तरफ कितने सारे ट्रीज हैं। सो बांदीपुर नेशनल पार्क का फाउंड हुआ था इन 1973, एंड इससे पहले इस पार्क का कोई डिफरेंट नेम था, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में इसमें कुछ और एरिया ऐड हुआ और इसका नाम चेंज होके बांदीपुर नेशनल रिजर्व हो गया। ये ओवरऑल नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है, एंड यहाँ पे एलिफेंट्स का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है इन साउथ एशिया, ऑलमोस्ट 4000 एलिफेंट्स हैं इस पार्क में, एंड टाइगर्स भी यहाँ पे 75 के करीब है। बट टाइगर्स एंड टाइगर्स, ओ देयर इज अ वाइल्ड बोर ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, बट टाइगर्स तो बहुत लकी हुए तभी आपको दिखेगा। बट डियर्स एंड एलिफेंट्स वो सब कॉमनली साइट होता है। और यहाँ पे ये जो बांदीपुर का रास्ता जो है ये सिर्फ आई मीन डे टाइम में ही ओपन रहता है, सो 6 PM इन इवनिंग टू 6 AM इन मॉर्निंग ये क्लोज्ड रहता है। एंड इससे पहले ये ओपन था, सो 2018 में एक इंसिडेंट हुआ था दैट एक बस से एक एलिफेंट टकरा के वो एलिफेंट का डेथ हो गया था, तो उसके बाद से यहाँ पे नाइट ट्रैफिक को स्टॉप कर दिया गया है। स्पीड लिमिट इज 35 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड लिमिट 35 है, लिखा हुआ है नो फोटो नो पार्किंग नो पिकनिंग नो लिटरिंग ₹100 फाइन फॉर 1000 फाइन। ओ वाओ लेफ्ट साइड में देखिए ये पिकॉक है एक, ये लेफ्ट साइड। बारिश भी होने लगा है हल्का सा यहाँ पे, अब वो मोर नाचती थी। बारिश होता था तो मोर नाचती थी, हम लोग देखते थे। तो यहाँ रुकना अलाउड नहीं है, बट आई एम सीइंग कि कुछ कुछ बाइकर्स जो हैं वो रुक रहे हैं। सो यहाँ पे दिखा रहा है गुडलूर इज 27 एंड ऊटी इज 79 किलोमीटर फ्रॉम हियर, एंड अच्छा खासा तेज बारिश स्टार्ट हो गया है। तो लग रहा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व यहाँ पे ख़त्म हो गया है। लेफ्ट साइड में मंकीज हैं और यहाँ पे चेक पोस्ट है, मस्त व्यू है। हाँ वो स्ट्रीम कितना अच्छा जा रहा है ना, वाटर स्ट्रीम कितना ऑसम लग रहा है।
तो बांदीपुर यहाँ पे अब हम लोग तमिलनाडु के बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं और सामने दिख रहा होगा आपको मुडुमलाई टाइगर रिजर्व वेलकम्स यू और यहाँ पे एक और चेक पोस्ट है। तो अभी हम लोग जस्ट बांदीपुर एग्जिट किए एंड विद इन लाइक 50 मीटर्स मुडुमलाई नेशनल पार्क का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो बांदीपुर में तो हमारा कुछ भी चेकिंग नहीं हुआ बट यहाँ मुडुमलाई में एंटर करते टाइम तमिलनाडु पुलिस थी एंड उन्होंने पहले तो 30 रुपीज़ एंट्री चार्ज है यहाँ पे, तो वो एक हुआ एंड सेकेंड थिंग उन्होंने डिक्की ओपन करने के लिए बोला, तो डिक्की मैंने ओपन कर दिया। फिर मैं नीचे गया तो उन्होंने पहला बैग ओपन करने के लिए बोला, ओपन करके मैंने दिखा दिया। उसके बाद फिर और भी दो तीन बैग उन्होंने चेक किया, वो पूछ रहे थे कि पहले तो तमिल में बात कर रहे थे, देन आई सेड कि डोंट नो तमिल। फिर उन्होंने बताया पूछा कि लिकर है, मैंने बोला लिकर नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि श्योर कैन आई चेक ऑल द बैग्स, तो मैंने बोला हाँ चेक कर लो। तो फिर उन्होंने पीछे डिक्की में चार बैग्स थे, उसमें से तीन उन्होंने चेक किया, तो तीनों में तो कुछ मिला नहीं, तो फिर चौथा वाला छोड़ दिया। एंड देन ये भी पूछ रहे थे कि इतना सारा लगेज सिर्फ दो आदमी के लिए है। फिर मैंने बताया कि हम लोग 17 डे ट्रिप पे निकले हुए हैं, अभी यहाँ से चेन्नई पौंडीचेरी रामेश्वरम सब कुछ जाना है, इसीलिए इतना ज़्यादा लगेज है। तो फिर उन्होंने बोला कि चेक किया एंड ऑल, काफ़ी कोऑपरेटिव थे, ऐसा कुछ नहीं, उन लाइक बैग को प्रॉपरली अगर ओपन कर रहे हैं तो क्लोज करने में हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ है, तो वो सब कुछ सही है, अच्छा था। आई मीन उन्होंने चेक किया, दैट्स गुड, ओवरऑल कोऑपरेटिव थे। और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मुडुमलाई नेशनल पार्क में, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ दिखता है कि नहीं। बट रियली डेंस फॉरेस्ट है, हाँ ये बांदीपुर से ज़्यादा डेंस है, रोड साइड पे ही लंबे लंबे पेड़ हैं, वहाँ पे थोड़ा रोड को छोड़ के था पेड़। और क्या रोड दिख रहा है भाई, राइट, लंबे लंबे रोड्स, लंबे लंबे ट्रीज, एकदम अमेजिंग ऑसम एक्सपीरियंस है ना। सो यहाँ देखिए राइट में कितने सारे डियर्स हैं और बैठे हुए हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, क्या ही अमेजिंग है। ओ वाओ, इधर भी है, लेफ्ट साइड में भी, हाँ कितने सारे डियर्स हैं यहाँ पे, इधर भी। एंड ये वाटर स्ट्रीम है यहाँ पे हाँ, छोटा सा वाटर। ओह माय गॉड, वाओ, इतना तो बांदीपुर में भी हमें नहीं दिखा जितना इधर दिख रहा है, अमेजिंग मैन, अमेजिंग। और यहाँ का रोड ना थोड़ा हाइट पे है, जैसे दोनों साइड फॉरेस्ट है एंड रोड हाइट पे है, तो और भी अच्छा लग रहा है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सो अभी हम लोग मुडुमलाई नेशनल पार्क से जस्ट निकले और स्ट्रेट आ गए, तो ये जो गुडलूर वाला रूट है, जो लॉन्गर रूट है, उस पर आ गए हैं। तो अब हम लोग वापस यहाँ पे जो सामने ट्रक लगा हुआ है उन्हीं से पूछा, तो उन्होंने बताया कि मसीनागुड़ी का रूट पीछे से है एंड वो ज़्यादा सीनिक है, तो अभी हम लोग उस पर जा रहे हैं वापस से। तो यहाँ से अगर आप सीधे आ गए तो ये गुडलूर वाला रूट है एंड ये जो ब्रिज है उससे जस्ट पहले ये जो रूट जा रहा है ये है मसीनागुड़ी वाला रूट। तो ये शॉर्टर भी है और बेटर भी है और सीनिक भी है। अभी हम लोग जस्ट मसीनागुड़ी वाले रास्ते में एंटर किए एंड ये साइड में रिवर है या स्ट्रीम है पता नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा तेज फ्लो है वहाँ पे, आप देखिए ऑलमोस्ट रैपिड्स जैसा बन रहा है। और ये देखिए, और इधर रहने का भी है, ये एक बैनियन रेस्टोरेंट करके है एंड बैनियन यहाँ पे काफ़ी सारे रहने के भी इस पे हट्स एंड कॉटेजेस टाइप का है एंड वहाँ पे एक मंकी जा रहा है।
इतने सारे बर्ड्स के साउंड्स आ रहे हैं, क्या नेचुरल, इधर स्ट्रीम का साउंड, इधर बर्ड्स का साउंड, द मैजिकल एक्सपीरियंस है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर आ चुके हैं मसीनागुड़ी वाले रास्ता में, और ये सिंगल लेन है, कम्प्लीटली सिंगल लेन रोड है। जब कोई भी कार आता है तो आपको थोड़ा साइड में साइड उतर के फिर आपको पास देना होता है। तो ये ये रोड तो अभी भी सीनिक है। आई थिंक ये स्टिल वी आर इन मुडुमलाई टाइगर रिजर्व। यहाँ लेफ्ट पे आप देखिए लिखा हुआ भी है मुडुमलाई टाइगर रिजर्व। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ से ड्राइव करना। अगर आप अपने कार से आ रहे हो या इवन कैसे भी आ रहे हो, अगर आप कैब करके जा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ऊटी के आसपास कहीं किसी भी सिटी में आके, मे बी मैसूर आप आके रुक सकते हो, और सुबह सुबह आप निकलिए यहाँ से और एकदम आराम से इंजॉय कीजिए इस ड्राइव को। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये ड्राइव। तो देख रहे हैं क्या कर्वी रोड्स है, दोनों साइड डेंस फॉरेस्ट, देयर आर डियर्स हैं लेफ्ट साइड में, मतलब क्या नहीं दिख रहा है। देखिए माय गॉड, अभी देखिए यहाँ पे इतने सारे डियर्स हैं, आप बस बैठ के यहाँ पे एंजॉय करिए। मैं तो क्या कर रहा हूँ ना कि जो भी आगे पीछे से इवन बाइक भी आ रहा है, मैं अपना कार साइड करके उनको पास दे रहा हूँ कि भाई मुझे बहुत धीरे धीरे जाना है एंजॉय करते हुए। मुझे आधा घंटा यहाँ ज्यादा लग भी गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या क्या ड्राइव है, मतलब कितने सारे ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे 15-20 डियर्स हैं। ऑसम, अरे जा रहे हैं सारे वन आफ्टर अदर, माय गॉड ऑसम, जा रहे हैं सारे वन आफ्टर अदर, माय गॉड। हाँ हाँ वो वहाँ जो उधर है उसके बहुत बड़े हॉर्न्स है, बाकी का तो उतना छोटा छोटा है, वो साइज में भी ज्यादा बड़ा नहीं है, बट कितना बड़ा हॉर्न है उसका। हाँ वो देखो वो आया अभी फिर से, कितने लंबे हैं उसके हॉर्न्स, वाओ मैन, बट वो बड़ा भी लग रहा है अगर आप मतलब देखो बाकी के कम। उसका स्किन का जो टोनी है वो जो थोड़ा डार्क है, बड़ा है वो, ऐसा लग रहा है कि ओ वाओ वाओ मैन। अंदर और भी है, वो एक बड़ा हॉर्न उधर भी है अंदर में किसी का, और नेक के नीचे कैसा वाइट सा है ना उनके स्पॉट, सबके नेक के जस्ट नीचे वाइट है। चलिए ये देखिए, अभी हम लोग वो ऑलमोस्ट लाइक 10 किलोमीटर्स आ गए हैं इस रोड में, मसीनागुड़ी वाले रोड में, और सामने माउंटेन्स, क्या दिख रहा है ना।
और काफ़ी हाइट है महाबलेश्वर से, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो कितना हाइट दिख रहा है, और पूरा माउंटेन क्लाउड्स में कवर्ड है, और वहाँ पे बीच में, तो कैमरा में तो नहीं दिखेगा बट लग रहा है कि बीच में वॉटरफॉल। वाटरफॉल है, पानी दिख रहा है, पानी का एक लाइन। क्या व्यू है, क्या व्यू है, अमेजिंग व्यू। अभी हम लोग ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द रोड कवर हो गया है ऊटी का, और 30 हेयरपिन बेंड्स भी हो चुका है। हम लोग ऐसे ही रुके थे तो हमने ये नोटिस किया, इस कार पे नेट जियो लिखा हुआ है, ये नेशनल ज्योग्राफिक का कार है। एंड क्या व्यू है, एंड बहुत जगह पे क्या हो रहा है ना यहाँ पे, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, प्लस साउंड जो है वो तो मिसमराइजिंग है। ये पानी का रोड पे तो बहुत जगह, बहुत इससे बहुत ज्यादा जा रहा है। तो हम लोग ऊटी पहुंच चुके हैं और ये है फर्स्ट व्यू ऊटी का, कितना डेंस और कितने मोटे मोटे पेड़ हैं, क्या लग रहा है, और कितना हाइट है इनका, इतना हाइट है और इतना डेंस है कि सनलाइट आ भी नहीं रहा है रोड पे, अंधेरा हुआ हुआ है यहाँ पे। पूरे ट्रीज पे मॉस का एक लेयर है, वो जो ग्रीन कलर का नहीं उग जाता है पानी है बारिश में, सारे ट्रीज पे वो है, और बहुत सारे ट्रीज लाइक कुछ ट्रीज गिर भी गए हैं, क्योंकि रोड्स पे हम लोग को दिख रहा था कि मोटे मोटे ट्रंक्स वाले ट्रीज गिरे हुए थे एंड उसको काट के ले जाया जा रहा था। और ये देखिए क्वीन ऑफ हिल्स ऊटी वेलकम्स यू। सो टेम्परेचर अभी हो चुका है 17 डिग्री सेल्सियस, मैसूर में थे हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री डाउन है। तो अभी हम लोग पहुंच गए फाइनली होटल अपने। Here we enter the hotel Lake View and reception is on the right. But maybe we can, should we stop here? Kya? And finally, हम लोग होटल लेक व्यू आ पहुंच चुके हैं ऊटी में, और कुछ ऐसा है, ये राहुल जा रहा है चेक इन फॉर्मेलिटीज के लिए एंड दिस इज आर धनो। Thank you.
तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ रूम पे, और ये देखिए यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, कार ऑलमोस्ट रूम तक आ जाता है। और ये लाइन से विला रूम्स है, तीन कैटेगरी है यहाँ पे रूम्स का, ये कोई और होगा कैटेगरी आई थिंक, ये डिलक्स प्रीमियम और विला है। तो एंड ये व्यू है, मौसम काफ़ी ठंडा है मस्त, और वहाँ पे देखिए पेड़ के ऊपर बहुत सारे क्लाउड्स हैं। हमारा लास्ट रूम मिला है रूम नंबर 53, सामने में ही आई थिंक कोई चर्च है। अमेजिंग व्यू, क्लाउडी है पूरा, और ये है अपना रूम। पे बारिश के कारण हर चीज़ भीगा भीगा हुआ है, तो यहाँ से आप रूम मेंटेन करते हो। ये विला रूम में दो रूम्स है, एक बेसिकली हॉल टाइप का है, सोफ़ा लगा हुआ है, एंड देन दिस इज़ द फायर प्लेस। तो यहाँ पे आप बॉनफायर करवा सकते हो, 168 रुपीज़ चार्ज है उसका। और ये है यहाँ पे डाइनिंग टेबल, एक कॉफ़ी, एंड दिस इज़ द बेडरूम। एंड दिस इज़ द विंडो, विंडो के बाहर भी वही व्यू है, सेम व्यू। एंड यहाँ पे एक टीवी है, एंड दिस इज़ द वॉशरूम। क्लीन है वॉशरूम, और ओवरऑल रूम भी अच्छा है, जस्ट दैट कि कुछ कुछ जैसे यहाँ पे वॉल पे देखिए कुछ स्पॉट्स है, बट हाँ ओवरऑल रूम अच्छा है। रूम का टैरिफ 3000, आई थिंक 16000 में हमने 5 डेज़ के लिए बुक किया था, हाँ 3000 समथिंग इसका टैरिफ है, तो इट्स अ डिसेंट रूम। तो अभी तो बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, थक गए हैं तो बाहर तो नहीं जाएंगे, रूम में कुछ रूम सर्विस ऑर्डर कर लेंगे और खा के थोड़ा आराम करेंगे। आज मोस्ट लाइकली हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जाने वाले हैं, हम लोग का 4 दिन का यहाँ स्टे है, तो नेक्स्ट 4 डेज़ में हम लोग घूमेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में।